तो उसमें हमें क्या करना है, बिना लंबी विभाजन किए ही हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत। उसी वजह से हम क्या करते हैं, 455 के हम फैक्टर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। तो 5 से जाएगा ये, 5 ने 45, 5 एकम 5, अब ये कितने से जाएगा, 7 से, 7 एकम 7, 7 ये 21, अब कितना हो जाएगा 13 से, तो 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर क्या हुए हमारे पास, 64 बटा में 455 के हमारे पास फैक्टर जो हुए वो हैं 5 गुणा में 7 और गुणा में 13। तो अब ये देखेंगे कि इसके जो डिनोमिनेटर है यानी हर है, इसके फैक्टर हमारे 2 और 5 के रूप में नहीं आए, 5 के रूप में तो आ गए लेकिन 7 और 13 आ गए, लेकिन हमें चाहिए 2 के रूप में। और तो इसका प्रसार क्या होगा, अशांत। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी हमारे पास इसमें फैक्टर आता है, जैसे 2 आ जाए 5 आ जाए तो शांत होगा, अगर अकेला 2 आ जाए तो भी शांत होगा और अकेला 5 भी आ जाए तो भी शांत होगा, लेकिन उसको दशमलव प्रसार में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर और 5 की पावर को बराबर कर लेते हैं, लेकिन इसमें 7 और 13 आ गया इसलिए ये क्या होगा, अशांत। अगला पार्ट है हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 15 बटा में 1600। तो 1600 के हम फैक्टर कर लेते हैं पहले, जैसे 2 से जाएगा 2 8 16, 2 जीरो आएंगे हमारे पास, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8 0 0, फिर 2 से कर लेते हैं 2 दो 4 2 0, फिर 2 से 2 एकम 2 0 0, फिर 2 से कर लेते हैं 2 5 10, फिर 2 से कर लेते हैं 2 दो 4 2 5 10, अभी 5 से जाएगा 5 5 25 और 5 एकम 5। अब हमारे पास इसके फैक्टर क्या क्या हुए, तो यहां देख लेते हैं हम आगे इसको लिखते हैं, 5 बटा में 1600 के फैक्टर हमारे पास क्या हुए, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 है और गुणा में 5, 1 2 5 की पावर हमारे पास 2 हुई। तो अब क्या होगा, 2 की पावर 6 है इसमें और 5 की पावर 2 है, तो हमारे पास 5 की पावर भी कितनी होनी चाहिए, 6। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, तो हमारे पास 5 की पावर भी 6 होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 5 की पावर 4 और से गुणा कर लेते हैं और ऊपर भी 5 की पावर 4। अब आगे क्या हो जाएगा, ये जैसे 15 है गुणा में 5 की पावर 4 कितना हुआ, 525 625 625, तो 625 हो जाएगा, और नीचे 2 की पावर 6 है ये और 5 की पावर भी 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेते हैं, जैसे 15 गुणा 625 इसकी गुणा भी करेंगे, और नीचे जो हमारे पास है ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 कितना था हमारे पास, 1600 और 5 की पावर 4 और कर लिया हमने, जैसे 1600 और गुणा में 625, तो ये कितना हो जाएगा, इसी गुणा कर लेते हैं, 15 पंजे 75, 7 15 दुणे 30 और 7 37, असल 3 15 छीके 90, 90 और 3 93, गुणा इसकी आप चेक भी करते रहेंगे साथ साथ, और इसकी गुणा कितनी आएगी, 2 जीरो तो हमारे पास है ही, तो 16 पंजे 80, 8 16 दुणे 32 और 8 40, 4 16 छीके 96 और 4 100, तो हमारे पास ये हो गया 9375 इसकी गुणा आएगी, और नीचे हमारे पास आ गया इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, ये आ गया 10 लाख। तो अब दशमलव रूप इसका क्या हुआ, शांत, क्योंकि इसमें हम दशमलव लगाएंगे, जैसे 9375 इसमें अगर दशमलव लगाएं तो कितने स्थान छोड़ के लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर दशमलव लगेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शांत। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमारे पास हर होता है, हर किस रूप में होना चाहिए, 2 की पावर में और 5 की पावर में, आपको देखना यह है कि 2 की पावर 5 की पावर कितनी है, बराबर कर लेनी है, अगर बराबर नहीं है तो इसको हम, जैसे इसमें 2 की पावर 6 था 5 की पावर 2 आ था इसके फैक्टर करने के बाद हमारे पास, लेकिन हमने क्या किया, 5 की पावर 4 और कर लिया, तो 5 की पावर 6 हो गया, तो ये तो हमारे पास 1600 था ही, और 5 की पावर 4 कितना था, 625।
तो इस वे से आपको ये सभी क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो है फिफ्थ पार्ट 29/343। तो इसमें देखते हैं हम कि इसका प्रसार जो है शांत है या अशांत है। उसी में से हम क्या करते हैं, इसका जो हर है जैसे 343 है, 343 के हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो शुरू में कितने जाएगा ये, सात से, सात चौके 28, सात पंजे 35, सात चौके 28 कितने बजे 6 और 63 हो गया, तो सात निम्न 63, ये कितना हो गया 7, सतु 49, ये कितना हो गया 7, 7 × 7। तो ये इसके पास हमारे पास फैक्टर हो गए, तो ये हो गया 29/7 कितना हुआ 3। हमें क्या चाहिए हर में, 2 की पावर और 5 की पावर, इसलिए 2 की पावर और 5 की पावर में है नहीं, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति, इसको लिख लेंगे अशांत आवृत्ति। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका अशांत आवृत्ति। जैसे इसका अगला पार्ट हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में 1.4 का, 23/2 और 5/2। तो जैसा इसमें देख सकते हैं 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, ये शांत तो है, इसको दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे, इसको 23/2 कितना है 3, 5 की पावर कितना है 2, तो 5 की पावर 1 और कर लेंगे तो 3 हो गया। अब अपनी तरफ से हमने कितना 5 की पावर 1 ऊपर भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला गुणा कितनी होगी 23 और 5 की गुणा हम कर लेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 11, नीचे कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 × 4 = 8 और 5 की पावर कितना हो गया 3, 5 × 25 = 125। अब कितना हो जाएगा ये 115/125 की 8 की गुणा कितनी हो जाएगी 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16 और 4 = 20 और 8 × 1 = 8 और 2 = 10। दशमलव रूप में बदल लेंगे इसको, 115 लिखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 दशमलव लगेगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा शांत। तो हमें पावर बराबर करनी है 2 की पावर और 5 की पावर। अगर इसके अलावा कोई भी पार्ट आता है इसमें हमारे पास एलसीएम इसके डिनोमिनेटर में, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवृत्ति। तो इसमें 1.4 साइज का सेकंड पार्ट इसमें देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कहता है 17/8। जैसे इसमें कहता है 17/8 है, इसी प्रकार इसको लॉन्ग डिवीजन हम नहीं करेंगे तो इसका बता देंगे दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसमें 8 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 8, फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 × 2 = 2, तो क्या हो जाएगा ये 17/8 और 2 की पावर कितना हो गया 1 2 3, क्योंकि 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसमें देखना है ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 3 में है, तो हमें 5 की पावर भी 3 चाहिए, तो अपनी तरफ से कर लेते हैं और उसी प्रकार 5 की पावर 3 ऊपर भी, तो नीचे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो गया 17 × 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 5 × 25 = 125 और नीचे 2 की पावर 3 कितना है ये तो 8 है ही, और ये कितना होगा 125, बराबर में कितना हो जाएगा ये 17 और 125 से गुणा करते हैं तो 17 × 5 = 85, 8 आएंगे 17 × 34 = 8 = 42, 4 × 17 = 4 = 21, नीचे कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 16 = 4 = 20, 8 × 8 = 2 = 10। तो इसमें दशमलव प्रसार कैसे होगा, तो 2125 है, 1 2 3 स्थान छोड़ देंगे दशमलव लगेगा, तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा शांत, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। तो इस वे से आपको एक ही मेथड रखना है, हमें इसके सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है Q, जो हमारा P/Q ये Q रूप है, इसके हमें फैक्टर कर लेने हैं जैसे हमने ये किए हैं, तो ये 2 की पावर में या 5 की पावर में आएंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। अगर इसके अलावा आता है जैसे 2 की पावर के अलावा 3 की पावर में या 5 की पावर के अलावा 7 की पावर में या और भी कोई, तो उसका दशमलव रूप क्या होगा अशांत। इस वे से आपको करना है।